आ रहे तो आपके घर की पूजा है, आप अपने सभी घर के सदस्यों के साथ शीघ्र। ये पहली बार 37 ईयर दीक्षा लेने को हुआ है, पहली बार विशाखापट्टनम में चतुर्मास तो हो रहा है, लेकिन पहली बार ये भी देख रहा हूँ कि हर रविवार को जो पूजा होती है जिनकी तरफ से, वो पूजा के कपड़े में कोई खड़े नहीं रहते। जैसे कि जो दूसरे अन्य धर्म में क्या होता है मालूम है, पैसा देकर के पूजा कराते, तो पैसा देकर के आप पूजा कराएंगे तो उसको आपको लाभ मिलेगा। हाँ, अभी जैसे कि कोई बोलते हैं कि भाई आपका शनि ग्रह खराब है या राहु खराब है, उसकी पूजा कराना पड़ेगा, आपको इतना खर्चा है, तो वो खर्चा देकर के वो पूजा कराने से उसकी शनि की उतर जाएगी। अरे भाई आप खुद खाएंगे तो आपका खुद का पेट भरेगा, दूसरा पूजा करेगा तो उसका पेट भरेगा। हाँ, तो ये तो आप 35 घर है वहां पुजारी नहीं है, मंदिर शिखर पर मंदिर है, झाड़ू पोता के लिए कोई भाई है, कोई एक आदमी रखा होगा, तो खुद पूजा करेंगे तो खुद को लाभ होगा। लेकिन चलो अपना काम, अपना टाइम बचा, लेकिन ऐसा नहीं होता है भाई, आपको वो उसमें आपको लाभ नहीं मिलेगा, वो पुजारी बेचारा लाभ लेके चला जाता है। तो अभी से आपको ये आनी है, और ये आज जिसकी तरफ से भी पूजा है उनका परिवार वाले दो जने खड़े रहना है, पति पत्नी हो या लड़के हो लड़के की बहू हो, ऐसे करके दो जने को तो आपको खड़ा रहना है, और नारियल लेकर के खड़ा रहना पड़ता है, फल फ्रूट लेकर के जो भी है, रात्र पूजा क्या बोलते हैं उसको, प्रक्षाल पूजा आती है, जल पूजा, तब जल पूजा कौन करता है, पुजारी करता है, पुजारी को करना है, किसको करना चाहिए, जिसके तरफ से पूजा है उसको करना चाहिए, तब उसको लाभ मिलेगा, नहीं तो कोई लाभ मिलने वाला नहीं आपको। तो आज मैं देखूंगा आपकी पूजा में जिसके तरफ से पूजा है वो भाग्यशाली यहाँ खड़ा रहेगा, बाकी तो हर संडे को जो जिसके तरफ से भी रहेगा वो यहाँ करके खड़ा रहेगा तो उसकी पूजा मानी जाएगी, बाकी उसके तरफ से कोई पूजा मानी नहीं जाएगी। देखिए आचार्य भगवंत ने हमें जो शिक्षा दे रहे हैं, कृपया मुझसे प्रेरित होकर कि अपने बहुत फायदे की चीज है, इसका लाभ अपने को ही मिलेगा। जैसे आपने सिर्फ धन खर्च कर पूजा की है, लेकिन असली चढ़ावा भूल ही जाएगा कि भगवान की पूजा करना है, तो कृपया आज से जो आचार्य भगवंत ने आदेश दिया उसे आज्ञा समझकर उसका पालन करें, एवं मैं आशा रखता हूँ कि सभी 6 पूजा के लाभार्थी अपने घर से 1 या 2 सदस्य जरूर पूजा में आकर उपस्थित होंगे एवं आचार्य भगवंत के प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। कृपया वे अपना नाम श्रीमान धर्मेंद्र कुमार जी उर्फ राजा बाबू के पास नाम लिखा सकते हैं। अपने समाज में इतने अच्छे बच्चे और उनका जो सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने वाले अपने मंडल, इतने अच्छे मंडल होते हुए अपन लोग, अपन यानी अपने ही समुदाय के लोग कहीं बाहर से कोरियोग्राफर को और बुलाते हैं, मैं समझता हूँ अपने साथ में विराजमान हैं। मैं इनकी प्रेरणा की बहुत बहुत तारीफ करता हूँ, अनुमोदना करता हूँ, और मैं इनसे आशा रखता हूँ सभी मंडल से कि वे हर साल इससे, जैसे ही उनके गर्भ में संतान आई वैसे ही इसला माता ने क्या देखा, 14 सपना, अब सपनों का वर्णन चल रहा है, और सपना के वर्णन में जो 4 सपना की बात है पहले कल हो चुकी है और आज 5वां सपना, तो कहते हैं तीर्थंकर की माँ, तीर्थंकर के जीव माँ के गर्भ में आने से जो 14 सपना देखती है उसमें से 5वां नंबर का सपना जो है कि त्रिशला छत्रिणी 5वें सपने में आकाश में से नीचे उतरते ही पुष्पक के माला को देखती है, वह माला कैसी है, कल्प वृक्ष के ताजे और रस सहित पुष्प की जो मालाएं, उन मालाओं से व्याप्त होने से रमणीय और पुष्प माला कैसी है, चंपा के पुष्प, अशोक के पुष्प, पुन्नाक के पुष्प, नाग केसर के पुष्प, पियंगु शिरीष मोगरे मल्लिका जाई जूही जूही अंकोल कोज करिंट करिंट डमरे नवमल्लिका बकुल तिलका बसंत तिलका सूर्य विकासी कमल चंद्र विकासी कमल पुष्प गुलाब के पुष्प मुचकुंद के पुष्प एवं आम की मंजूरियाँ उपरोक्त पुष्प व मंजूरियों की सुगंध माला में व्याप्त है, और वह माला कैसी है, अनुपम और मनोहर सुगंध से दसों दिशाओं को क्या करने वाली है, पवित्र करने वाली है, ऐसी माला को त्रिशला माता जो है सपन में 5वें सपन में देखती है, उसके बाद त्रिशला माता 6ठे सपन में चंद्र को देखती है, वह चंद्र कैसा है, गाय का दूध जैसा झाग पानी के कण और
रुपए के कलश जैसा सफेद शांतिदायक लोगों के हृदय व नेत्रों को बल्लभ तल लगे ऐसा संपूर्ण मंडल युक्त यानी 16 कलाओं से खिला हुआ घोर अंधकार के द्वारा गाढ़ व गंभीर ऐसी जो वन की झाड़ी झाड़ी में भी अंधकार का नाश करने वाला मास वर्ष इत्यादि प्रमाण को करने वाला जो शुक्ल व कृष्ण ऐसे दो पक्ष उस पक्ष के मध्य में रही हुई जो पूर्णिमा में शब्दी कलाओं वाला कुमुद के वन को विकसर करने वाला रात्रि को शोभायमान करने वाला राग आदि के द्वारा अच्छी तरह से मांझ कर उज्जवल बनाए हुए दर्पण जैसा हंस जैसे उज्जवल वर्ण वाला ग्रह नक्षत्र तारा वगैरह जो ज्योतिष उनके मुख को शोभायमान करने वाला अर्थात उनमें अग्रसर अंधकार का शत्रु कामदेव के माथा समान यानी कि जैसे धनुर्धारी पुरुष माथा को प्राप्त करके उनमें से बाण को लेकर उन बाणों के द्वारा मृगादि प्राणियों का घात करते हैं वैसे ही कामदेव भी चंद्र के उदय को पाकर लोगों को कामबाण के द्वारा व्याकुल करता है अर्थात चंद्र का उदय होने से ही कामदेव कामियों को सताता है रजनी नाथ निशाकर दुर्मते विरहिना रुचिर पिबसी ध्रुवम उदयरुणता कथम मन्यता तथा कथम च तके तदनुमानित हे निशाचर दुर्मते रजनीनाथ चंद्र निश्चय ही तुम विरही जनों का खून पीता हो यदि ऐसा ना हो तो उदय के समय तेरा लाल मुख और उनके शरीर में कृष्णता क्यों होती है और वह चंद्रमा कैसा है समुद्र के ज्वार को बढ़ाने वाला आपने प्राणवल्लभ भरतर के वियोग से व्याप्त बनी हुई विरहिणी स्त्रियों को अपनी किरणों से शोकग्रस्त करता हुआ अर्थात वियोगियों को चंद्र के दिखते ही विरह दुख वृद्धि को प्राप्त होता है वह चंद्र सौम्य और रमणीय स्वरूप वाला है। इस प्रकार शीतला माता ने छठे सपने में चंद्र को देखा तत्पश्चात शीतला माता सातवें सपने में सूर्य को और सूर्य कैसा है अंधकार समूह को नाश करने वाला जज्वल्यमान रूप वाला पृथ्वी कायिक जीव स्वभाव से तो शीतल है अब अतप नाम कर्म के उदय से मात्र तेज के द्वारा ही जज्वल्यमान स्वरूप वाले होते हैं और वह सूर्य कैसा है लाल अशोक वृक्ष प्रफुल्लित के सुड़ा तोते की चोंच और चनोटी के अर्धभाग जैसे लाल रंग वाला कमल के वनों को भी असर लक्ष्मी के द्वारा भी विभूषित करने वाला मेष आदि राशि में संक्रमण आदि से ज्योतिष चक्र का लक्षण बताने वाला नवस्थल में प्रकाश फैलाने वाला होने से प्रदीप समान हिम समूह को गले से पकड़ने वाला अर्थात हिम समूह का नाश करने वाला ग्रह के समुदाय का महान स्वामी रात्रि का नाश करने वाला उदय व अस्त के समय मुहूर्त पर्यंत सुखपूर्वक देखा जा सके ऐसा और उससे अन्य समय में दुखपूर्वक देखा जाए ऐसा उग्र रूप वाला ठंडी के वेग को अपने ताप से दूर करने वाला प्रदक्षिणा के द्वारा मेरु पर्वत के चारों ओर सतत भ्रमण करने वाला विस्तीर्ण मंडल वाला एवं अपनी हजारों किरण से प्रकाशित करने वाला जो सूर्य है उस सूर्य को त्रिशला माता सपने में देखती है। त्रिशला माता त्रिशला क्षत्रिया ने नौवें सपने में पानी से विस्तीर्ण कलश यानी कुंभ को देखती है वह कलश कैसा है उत्तम जाति के सुवर्ण के कलश दीप्यमान है रूप जिसका ऐसा वह कलश कैसा है उत्तम जाति के सुवर्ण कलश के समान दीप्यमान है रूप जिसका ऐसा अर्थात जैसे उत्तम जाति का सुवर्ण अति निर्मल होता है वैसे ही उस कलश का रूप भी अति निर्मल है और वह कलश कैसा है निर्मल जल से भरा हुआ और इसी वजह से कल्याण को सूचित करने वाला जगमगा रही है कांति जिसके ऐसा कमलों के समुदाय से चारों तरफ से सुशोभित परिपूर्ण जो सर्व मंगल प्रकार उनका मानव संकेत स्थान ना हो
यानी कि जैसे संकेत करने वाला संकेत के स्थान पर अवश्य प्राप्त होते हैं, वैसे ही यह कलश दृष्टिगोचर होते ही सर्व मंगल के प्रकार अवश्य प्राप्त होते हैं। और वह कलश कैसा है? उत्तमतम रत्न से अतिशय सुशोभित कमल पर रहा हुआ नेत्र से आनंदित करने वाला अत्यंत दिव्यमान अथवा अपने प्रभा के द्वारा निर्मम और इसलिए सभी दिशाओं को दीपाता हुआ उत्तम संपत्ति का घर समस्त प्रकार के अमंगल से रहित और इसीलिए शुभ करने वाला तेजस्वी धर्म अर्थ काम त्रिभुग संपत्ति आगमन को सूचित करने वाला होने से इन त्रिभुग रूपी संपत्ति से श्रेष्ठ सर्व ऋतुओं में होने वाले सुगंधी पुष्पों की माला को कंठ में धारण करने वाला इस प्रकार के संपूर्ण भरे हुए रूपा के कलश को वह त्रिशला माता देखती है। दसवें सपने में त्रिशला माता पद्म सरोवर देखती है। उगते सूर्य की किरण से खिले हुए ऐसा हजार पंखड़ियों वाले कमल उनसे अत्यंत सुगंधी व पिंजर यानी कि थोड़ा पीला और लाल रंग का पानी जिसमें ऐसा जल में निवास करने वाला प्राणियों के समुदाय से चारों ओर से व्याप्त मछलियों के द्वारा पिए जाने पानी का समूह वाला बड़ा समुद्र सूर्य विलासी कमल, चंद्र विकासी कमल, लाल कमल और श्वेत कमल इस प्रकार विविध जाति के कमल के विशाल फैलाता हुआ जिस कांति के समूह उसे मानो जगमगा रहा ना हो ऐसा। और वह पद्म सरोवर कैसा है? रमणीय रूप सुशोभित अत्यंत हर्षित हुए अंतकरण वाले भौर एवं मदन मत्त भ्रमरियों के समुदाय के द्वारा आस्वादन किए जाते हुए कमलों वाला ऐसे सुंदर और भव्य स्थान की प्राप्ति से आया हुआ अलंकार जिनको ऐसे जो कलहंस कदम कदम बगुले चक्रावक वाल हंस राजहंस और सारस वगैरह पक्षियों के समूह से वह उनके जुगल से सैव्यमान पानी वाला कमलिनियों के पर्ण पर लगे हुए जो पानी बिन उनके समुदाय से मानव आभूषण युक्त न बना हो ऐसा जो सरोवर है त्रिशला माता सपने में देखती है। उसके बाद 11वें सपने में त्रिशला क्षत्रिय यानी क्षीर समुद्र को देखती है। वो क्षीर समुद्र कैसा है? चांद की किरणों का जो समूह उनके सदृश अति उज्जवल ऐसे मध्य भाग चारों दिशाओं के मार्ग में अतिशय बढ़ते हुए पानी का समूह वाला अर्थात उस समुद्र में चार और अगाध जल प्रभाव और क्षीर समुद्र कैसा है? अतिशय चंचल और अतिशय ऊंचे उठते हुए जो कल्लोल यानी कि तरंगे उनके द्वारा बराबर इकट्ठा होकर बिखरता हुआ पानी की जिसका ऐसा प्रचंड पवन के द्वारा आघात से चलायमान होने वाला एवं इसी कारण से चपल बने हुए जो प्रकट तरंग इधर उधर नृत्य करते हुए जो भंग यानी कि तरंग विशेष तथा अतिशय शोक धारण करती हुई यानी मानो भय भ्रांत न हुई हो इस प्रकार चारों ओर टकराती और इसी वजह से शब्द स्वच्छ उछलती ऐसी जो उर्मियाँ यानी बड़े बड़े कल्लोल अर्थात समुद्र की लहरें इस तरह तरंग भंग और उर्मियों के साथ जो संबंध उसके द्वारा तट की ओर दौड़ता वह तट से पुनः लौटता हुआ अत्यंत दीप्यमान और दर्शकों को प्रेम उत्पन्न करने वाला बड़े मगरमच्छ मछलियाँ तिमित मिंगिल नाम के बड़े बड़े मछलियाँ जिसमें है निरुद्ध और तिली तिलक इत्यादि जो तरह तरह के जलचर जीव उनके पूछों के आघात से उत्पन्न होने वाला कोटपुट जैसा सफ़ेद छाक का विस्तार है जिसमें ऐसा बड़ी बड़ी नदियों के वेग से दौड़कर आती हुई जो पानी का प्रवाह उनसे उत्पन्न हुई पानी की भ्रमरियों वाला गंगा अवर्त नाम का आवर्त विशेष यानी कि पानी का घिराव विशेष उस घिराव में व्याकुल होते हुए और घिराव में रहे हुए होने से अन्य स्थान में निकल जाने का अवकाश नहीं होने से उछलते हुए और उछल कर पुनः उसी घिराव में गिरते हैं वह और इसलिए चक्राकार फिरते हुए चपल पानी वाला इस प्रकार के क्षीर समुद्र को सपने में देखती है। उसके बाद त्रिशला माता क्षत्रियणी 12वें सपने में विमान
को देखती है, विमान कैसा है, नए उगे हुए सूर्य के बिंबों के जैसा कांति वाला तेज युक्त स्वभावमान उत्तम जाति के सुवर्ण उत्तम कोटि की महामणियों के समूह से मनोहर बने हुए हजार आठ स्तंभ उन स्तंभों से दीप्यमान होता हुआ आकाश को भी दीपाता हुआ सुवर्ण पत्रे में लटकते मोतियों और अतिशय तेजस्वी बना हुआ जिसके अंदर देवता देवता संबंधी लटक रही पुष्पमाला है दीप्यमान हो रही है। ऐसा ऐसे विमान कैसा है? वृक्ष बोरु वृषभ घोड़े मनुष्य मगरमच्छ वारंड पक्षी बोरुड़ सर्प मयूर किन्नर जाति के देव कस्तूरी मृग रूरू जाति के मृग अष्टापद नाम के जंगल के पशु चमड़ी गाय सशक्त नामक जंगली शिकारी पशुओं हाथियों अशोक लता आदि वन लताएँ एवं पद्मलताएँ यानी कि कमलिनियाँ इन सब के जो मनोहर चित्र उनके द्वारा मन में आश्चर्य जगाने वाला मधुर स्वर से गाए जा रहे जो गायन और बजाए जाते जो वजिंत्र उन गीत और वजिंत्र के संपूर्ण नाद वाला जल से भरा हुआ घटा टुक बना हुआ वह बिस्तर वाला जो मेघ उनकी गर्जना सदृश देव देवी के बड़े शब्द द्वारा निरंतर सकल जीव लोग को पूर्ण करता हुआ यानी कि संपूर्ण जगत के शब्द से व्यक्त करता हुआ काला गुरु उत्तम जाति के इंद्रो शैला रस से जल जल जलता हुआ वंश के धूप तथा अन्य सुगंधित पदार्थ क्षेत्र का और इसीलिए उज्जवल कांति वाला उत्तम देवता उदय सुशोभित इस प्रकार के विमान को दिशला माता दिखती है। उसके बाद दिशला माता तेरहवें सपने में रत्न श्री के ढेर को देखती है। उसमें क्या रत्न की बता रहे हैं? पुल्लक रत्न वज्र रत्न इंद्र नील यानी कि नीलम पन्ना रम्यक रत्न करके तन रत्न ललित अक्ष रत्न मरकत रत्न मसार नामक के रत्न स्फटिक रत्न सौगंधिक रत्न हंस गर्भ रत्न श्याम कांति वाले अंजन नाम के रत्न और चंद्रकांत मणि इस प्रकार के भिन्न भिन्न जाति के उत्तम रत्नों के द्वारा रत्न राशि पृथ्वी तल पर रहते हुए भी आकाश मंडल के अंत तक सुशोभित यानी आकाश के शिखर को भी अपनी कांति से दीप्ति हुई और वह रत्न राशि कैसी है? मेरु पर्वत सदृश उच्च इस प्रकार के रत्न राशि को इसला क्षत्रिय दिखती है। चौदहवें सपने में तिसला माता निर्धुम अग्नि को दिखती है। अग्नि कैसी है? विस्तार वाली उज्जवल घी से और पीले मधु से सिंचित और इसीलिए बनी हुई धुएं धुएं वाली धकधकती यानी कि धकधक शब्द से करती हुई जलती हुई तारतम्युग से युक्त यानी कि एक दूसरे की अपेक्षा छोटी छोटी बड़ी बड़ी ज्वालाओं के समूह और तरफ से ये ऊँची ऊँची ज्वाला है। इस प्रकार के एक दूसरे की अपेक्षा बड़ी और छोटी है अर्थात वह अग्नि जलाए आकाश पर्यंत ऊँची होने से मानव आकाश को पकाने की तैयारी करती है। इस प्रकार की अग्नि को इसला माता जो है चौदहवें सपने में देखती है। इस प्रकार के कल्याण के हेतु रूप यानी कि कांति उससे सहित अर्थात कृत्य रहित दर्शन मात्र से भी प्रीति को उपजाने वाले एवं सुंदर रूप वाले सपनों को निद्रा में देख करके कमल जैसी नेत्र वाली तिसला माता जगती है और जगते ही उनके मन में विचार आता है कि सपना जो है कोई लक्षण युक्त सपना है। आप रात्रि के अंधकार में और किसी से क्या कहना नहीं मिल हो गया ना तो क्या कहना। तो तिसला माता जो है कहते हैं कि अपने निद्रा में से उठ करके राज हंसी की चाल से कहते हैं चालों में श्रेष्ठ चाल कौन सी है? हंस की गति जो है श्रेष्ठ गति है। तो उस गति से तिसला माता जो है अपने कक्षा में से अपने प्रति कौन सिद्धार्थ राजा जिस खंड में है उस खंड में जाती है और जा करके पति की आज्ञा से वहाँ प्रवेश करती है और प्रवेश करके कहते हैं हाथ जोड़ करके अपने पति से सपना की बात करती हैं और सपना की बात सुन करके सिद्धार्थ राजा जो है प्रफुल्लित होते हैं और प्रफुल्लित हो करके उनके सपना जो राजकुमार आदि होते हैं वो पहले से ही जहाँ बौद्ध कला की
कला सीखते हैं उस समय सपना आदि की जो विद्या है वो सीख के रखते हैं, तो उसके अनुसार सिद्धार्थ राजा ने कहा कि हे देवानुप्रिय, तुमने जो रात मध्यरात्रि में स्वप्न देखा वो सपना कैसा है? उत्तम है, अपने कुल को उज्जवल करने वाला है, अपने कुल को दीपाने वाला है, अपने रत्न गर्भा कहने वाली है। तो जो तुमने सपना देखा ये उत्तम सपना थे, और इस सपना के अनुसार तुम्हारे घर में ऐसे कोई पुत्र को, मतलब पुत्र का जन्म होगा और जिसे तू रत्नक्ष कहलाएगी। तो पति की बात सुनकर के त्रिशला माता ने क्या किया, सुकन गंधी, जैसे कोई अच्छी बात करते हैं ना तो हमारी बहनें क्या करते हैं, उनको सुकन गंधी के रूप में, यानी कि जो कार्य होने वाला है वो फले, इसके लिए क्या करते हैं, अपनी साड़ी के पल्लू में क्या करते हैं, एक गांठ बांधती है। तो त्रिशला माता ने कि हे देवानुप्रिय विप्रिय, आपकी बात जैसा हो वो प्रमाण हो, ऐसा कह करके त्रिशला माता प्रफुल्लित होती हुई अपने कक्ष में जाती है और सपना निष्फल ना जाए इसलिए क्या करते हैं, रात्रि जागरण करती है। तो कहते हैं त्रिशला माता रात्रि जागरण में, जैसे कि अपन भी कोई सपना देखते हैं रात के समय, तो सपनों को अगर लगे कि भाई सपना अच्छा है और आपको सपनों का फल चाहिए, तो सपना देखने के बाद सपनों को क्या करना चाहिए, सपनों को निष्फल जाने नहीं देना चाहिए। और अगर आपको सपनों को निष्फल नहीं जाने देना है तो रात भर जगना चाहिए परमात्मा के स्मरण में। फिर सुबह उठते ही सबसे पहले किसको कहना, तो कहते हैं गुरु के सामने अपना सपना कह देना। अगर गुरु महाराज नहीं हो तो गाय के कानों में कहना। गाय और गुरु नहीं मिले कुंभ राशि वाला, तो कहते हैं लास्ट में भगवान के समक्ष अपना सपना कह देना। तो कहते हैं आपका जो सपना है वो साकार हो सकता है। ऐसे त्रिशला माता जो है रात्रि जागरण करती है। सुबह सिद्धार्थ महाराजा, अब जो है उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया था रात के समय, तो सुबह होते ही उन्होंने विचार किया कि सपनों का विशेष फल जो है किसको, जिसका धंधा है बिजनेस है उसी को तो पूछना चाहिए ना। तो सपना पाठक कौन होता है, सपना पाठक कौन है, तो निमित्त शास्त्र के जो जानकार है, साथ साथ में अब उन्होंने सिद्धार्थ महाराजा ने अपने कौटुंबिक पुरुषों को और सेवकों को बुला करके कहा कि जाओ तुम क्या करो, गांवनगर में जो भी मतलब अष्टांग निमित्त शास्त्र के जानकार हो ऐसे व्यक्ति को, ज्योतिष शास्त्र के जानकार ऐसे व्यक्ति को, और जो पारंगत विद्वान है ऐसे व्यक्ति को बुलाना है। अब सिद्धार्थ महाराजा की बात करते हैं कल्पसूत्र में संस्कृत भाषा में, विजय विनय जी महाराज बता रहे हैं। तो कहते हैं सिद्धार्थ महाराजा सुबह उठते ही, अब उनका जो राजा का कृत्य कैसा है, जैसे हम सुबह उठते हैं तो हमारा कृत्य क्या है, सुबह उठते आप क्या करते हैं, सुबह उठते ही क्या करते हैं पहले, तो आप पहले दोनों हाथ को जोड़ते हैं, जोड़ करके आपके अंगुलियों में जो पर्व है देखना कितने पर्व है, 24 पर्व है। तो कहते हैं उन 24 पर्व को क्या मानना, 24 भगवान मानना, या इस अवसर पीढ़ी काल में हमारे तीर्थंकर, और कहते हर अवसर पीढ़ी में 24 ही तीर्थंकर होते हैं, उत्सर्प निकाल हो या अवसर्प निकाल हो, तो ऐसे। और देखना उसके नीचे दो हाथ की जो दो रेखाएं हैं वो दो रेखा जब मिल जाती है तो सिद्ध शिला बन जाती है। तो ऐसे आपको धारणा करनी है कि हम 24 भगवान को क्या कर रहे हैं। तो हम ऐसे करते हैं, फिर नमस्कार महामंत्र के जाप करते हैं, यानी कि नमस्कार कोई ज़्यादा माला भी गिनते हैं और कोई 8 माला गिनते हैं, कोई 12 व्रत के हिसाब से 12 माला, लेकिन कहते हैं 12 या 8 माला गिननी चाहिए श्रावकों को। तो इस प्रकार से जो है तो हम करते हैं, लेकिन अब वो तो क्षत्रिय है, क्षत्रिय का क्या है, सुबह उठते ही फिर क्या करेंगे, वह कहाँ जाते हैं, मरने का वाक करने वाले आज के दिन में लोग बहुत मिलेंगे, तो पहले ऐसे राजा महाराजा लोग क्या करते हैं, सुबह उठते ही क्या किया, उन्होंने अपने व्यायामशाला में गया और जाके मल किया, फिर तेल से मर्दन किया, मर्दन आदि कार्य करके फिर कहते हैं स्नान गृह में गया, वहाँ कहते हैं अच्छी तरह से स्नान विलेपन किया, विलेपन करके रत्न आदि का धारण किया, और फिर कहते हैं उनके जो भी राजपुरुष है जो उनके साथ बैठने वाले, स्नान गृह से निकलते समय वे सारे पुरुष जो उनको लेने के लिए गए, और वहाँ से फिर कहाँ तक, जहाँ सिंहासन है
उस सिंहासन तक ले जाते हैं और इस तरफ जो है अब कहते हैं कौटुंबिक पुरुष ने जाके ऐसे लोगों को बुलाया और सब पंडित आए और कहते हैं तो सभा मंडप में सिद्धार्थ महाराज बैठे हैं, उनके साथ बैठने वाले सब पुरुष बैठे हैं। अब पंडित आए और कहते हैं जहाँ सिद्धार्थ राजा बैठे हैं उनके बस बीच में एक जवनिका है और उसके उस पार वन है जहाँ रनवास तरफ पर्दा के अंदर जो है स्त्रियाँ आकर के बैठती है। तो उस प्रकार से त्रिशला माता भी जो कि वह किसी के समक्ष नहीं आवे लेकिन सभा में जो भी बात होती है वो बात कौन सुन सकते हैं, सब स्त्रियाँ जो भी स्त्रियाँ बैठती हैं और स्त्रियाँ सुन सकती हैं। बीच में एक पर्दा है, पर्दे के पीछे त्रिशला माता अब वह कहते हैं निमित्त शास्त्र के पाठ अब बता रहे हैं कि अंग नीचे मुताबिक समझना। अब अंग सपन स्वर चैव होमम व्यंजनम लक्ष्मणे उत्पाद मंत्रिक्षस्य निमित्तम स्मित अष्टदा। अब कहते निमित्त शास्त्र कितने हैं तो आठ निमित्त की बात बता रहे हैं। तो उसमें अंग विद्या पुरुषों के दाया अंग फरके तो अच्छा अंग शास्त्र बता रहे हैं और स्त्री का बाया अंग फरके तो अच्छा इत्यादि जिसमें अंग फरकने आदि का विचार किया जाता है उसको अंग शास्त्र। स्वप्न स्वप्न विद्या जिसमें उत्तम मध्यम कनिष्ठ स्वप्न के विचार होता है वह स्वप्न विद्या। फिर तीसरे नंबर में स्वर विद्या जिसमें गरुड़ उल्लू कौवा काकीड़ा छिपकली दुर्गा भैरव सियार वगैरह के जो सब देख करके सुबह सुबह फल निकाला जाता है। फिर भौम विद्या जिसमें धरती कम वगैरह का ज्ञान हो। फिर व्यंजन विद्या जिसमें मसे तिल आदि देख करके उनका भविष्य बताया जाता हो। फिर कहते लक्षण विद्या जैसे सामुद्रिक शास्त्र के हिसाब से आपके शरीर में क्या लक्षण है उसे आप कैसे हैं उनको बताया जा सकता है। फिर कहते हैं सात नंबर उत्पाद विद्या इसमें उल्कापात वगैरह जो उपद्रव होने वाला है उसकी विद्या। फिर अंतरिक्ष विद्या ग्रह नक्षत्र आदि जो है उदय अस्त से क्या फल होता है। तो इस प्रकार के आठ प्रकार की जो है उसको अष्टांग कहते हैं। तो सिद्ध राजा के आज्ञा के वचनों को विनयपूर्वक स्वीकार करते हैं। स्वीकार करके सिद्धार्थ क्षत्रिय के पास से निकलते हैं और निकल करके क्षत्रिय गांव। अब कहते हैं कि ये जो विद्या है तो उनके जो सेवक है वो किसको ऐसे ले जाते हैं। अब कहते हैं अब जो पुरुष आने वाले हैं वो कैसा नहीं होना चाहिए तो अहंकारी नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो कुछ गलत भी कर सकते। सुबह कैसे होना यहाँ एक राजा का दृष्टांत दे रहे हैं कि 500 राजा एक राजा रहे एक सुबह उनको सुबह की जरूरत थी तो उन्होंने क्या किया ऐसे 500 ऐसे व्यक्तियों को बुलाया बल बुला करके कहा कि भाई जो अच्छे होंगे उनको हम क्या सुबह में रखेंगे। तो सुबह जो आए सब तो 500 बैठे थे तो जिस सभा मंडप में रहने के लिए स्थान दिया वहाँ एक पलंग बीच में रख दिया और पलंग बीच में रखने से अब क्या हुआ कि अब सबको ईगो वाला थे अहंकारी। जो व्यक्ति अहंकारी होता है वह कभी सर झुकाएगा तो वो सेवक कभी नहीं बन सकता है सुबह कभी बन नहीं सकता है। ऐसा निर्णय के लिए राजा ने इस प्रकार मंत्री ने से पैंतरा किया और उसके हिसाब से 500 पुरुष आए और सब ईगो वाला है और सब अपने आप को क्या समझते हैं होशियार समझते हैं। और बीच में अगर कहते हैं कि उनमें विनय गुण होता तो क्या करता उनमें से जो बुजुर्ग बड़े हैं तो उनको क्या करते सिंहासन पर सोने। लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया। क्या किया सबने निर्णय लिया कि सब कहे भाई हम तो सब समान हैं कोई छोटे बड़े है ही नहीं सब तो विद्वान हैं और सब ताकतवर है तो आपने क्या करना किसी को ऊपर सोना नहीं कहाँ सोना है नीचे ही सुनो तो। और सबके पाँव जो है किस तरफ रहे पलंग की तरफ रहे तो 500 जो व्यक्ति है वहाँ रहे लेकिन सबके पाँव किस तरफ है पलंग की तरफ। मंत्री ने अनुमान लगाए ऐसा तो ऐसे पंडित का वहाँ कोई जरूरत नहीं है। पंडित भले ही 50, 100, 500, 1000 आवे लेकिन उनमें से जो बड़ी है उनका स्वप्न का पाठ कौन करेगा सलाह मशुरा करने के बाद कोई फिर क्या करे जो बड़ी है वो। तो ऐसा विवेक युक्त जो पंडित है विनयवान है वो आए
और आ करके कहते सपना की बात करें। हे राजा आप दीर्घायु बनो, यमन इत्यादि व्रत धारण करने वाले बनो, लक्ष्मीवान बनो, यशस्वी बनो, बुद्धिवान बनो, अनेक प्राणियों को करुणा दान देने में आदित्य पराक्रमी बनो, भोग भोग की संपत्ति वाले बनो, भाग्यशाली बनो, उत्तम प्रकार के सौभाग्य मनोहर बनो, पूर्ण लक्ष्मी वाले अथवा शोभाजुक्त बनो, कीर्ति वाले बनो एवं नित्य समस्त जगत का पालन पोषण करने वाले बनो। ऐसा जो है पंडित आकर के राजा को अभिवादन मतलब आशीर्वाद दे रहे हैं। हे नरनाथ आपका कल्याण हो, आप सुखी हो, धन का आवागमन हो, लंबा आयुष्य हो, पुत्र जन्म रूप समृद्ध हो, आपके सत्व का विनाश हो, नित्य हमेशा आपकी जय जय हो। हे राजन आपको कुल में निरंतर जीने सर प्रभु पर भक्ति रहे। पूरी मचरी माण कपो मंगल वर्धमान तित्तम में या परि गैया जी नगण आ रहे तेरा वाली चरित। उसके बाद उसके बाद वे सपना लक्षण पाठक सिद्धार्थ जाके द्वारा उनके सद्गुण की स्तुति करने स्वरूप बंदित होने पर पुष्पाद से पूजित होने पर फल और वस्त्र से दान से सत्कार किए जाने पर और खड़े होना इत्यादि मान देने की क्रिया द्वारा सम्मानित किए जाने पर वे प्रत्येक एक एक पूर्व से स्थापित सिंहासन पर बैठते हैं। उनके बाद सिद्धार्थ क्षत्रिय त्रिशला क्षत्रियानी को पूर्व वर्णित पर्दे के भीतर स्थापित सिंहासन पर बिठाते हैं। बिठा करके पुष्प और श्रीफल आदि फलों से भरे हुए हाथ वाले को निवेदन करने से पूर्व सिद्धार्थ राजा हाथ में पुष्प व फलों को लेकर के उन सपनों को निवेदन करके सपन का फल पूछते हैं। जैसे आए अब सपनों के फूल पूछते हैं। अब उसमें जैसे आपको बताया तो पंडित तो बहुत आए, लेकिन आप जो बड़े पंडित हैं उनको अग्रसर किया, अग्रसर करके और सिद्धार्थ महाराजा फिर जो है अपना निवेदन करता है कि त्रिशला माता ने रात्रि के मध्यरात्रि के विषय क्या सपना देखा। अब उसके फिर सलाम हो सकते कहते हैं कि सपना तो सुन लेते हैं जो बड़ी है बड़े, और उसके बाद फिर बाकी जो पंडित है, क्योंकि पहले आपको बताया कि कैसे पंडित चाहिए, तो वो पंडित जो है परस्पर में फिर विचारणा कर रहे हैं। अब बता रहे हैं कि मनुष्य को 9 प्रकार के सपना आते हैं। अनुभूत वस्तु सपन में देखे, सुनी हुई बात सपन में देखे, जागृत अवस्था में देखे हुई वस्तु सपन में देखे, प्रकृति के विकार से यानी कि बात पित्त और कप से कप के विकार से उत्पन्न हुए सपन देखे, सहज स्वभाव से उत्पन्न सपन देखे, चिंता की परंपरा से उत्पन्न सपन देखे, देवता के सान्निध्य से सपन देखे, धर्म कार्य के प्रभाव से उत्पन्न हुए सपन देखे, अतिशय पाप के उदय से उत्पन्न हुए सपन देखे। इस तरह मनुष्य 9 प्रकार के सपनों को देखता है। इन 9 में से पहले के 6 प्रकार के आए हुए सपनों सुबह देखे अथवा कि उन सपनों का कुछ भी फल मिलता नहीं है, लेकिन अंतिम 3 प्रकार के आए सपन सार्थक समझना यानी कि उन सुबह अशुभ सपनों का शुभ या अशुभ फल मिलता है। रात्रि के 4 प्रभाव में देखे हुए सपन अनुक्रम से 12, 6, 3 और व 1 महीने में फल देने वाला होते हैं। यानी पहले प्रहर में देखा हुआ सपना 12 महीने में, दूसरे प्रहर में देखा हुआ सपना 6 दिनों में, 6 महीने में, तीसरे दिन देखा हुआ सपना 3 महीने में, और चौथे प्रहर में देखा हुआ सपना 1 महीने में फल देने वाला होता है, तथा रात्रि के अंतिम 2 घड़ी में देखा हुआ सपना निश्चय ही 10 दिन में फल देता है, और सूर्योदय के समय देखा हुआ सपना निश्चित ही तुरंत कल्याणदायक होता है। परंतु माला सपना यानी एक के बाद आए हुए स्वप्न दिन में देखे हुए स्वप्न मानसिक चिंता और शारीरिक व्याधि से उत्पन्न हुआ स्वप्न मलमूत्र आदि के रुकावट से देखा हुआ स्वप्न ये सभी स्वप्न निरर्थक समझना यानी कि इन सपनों की कोई कीमत नहीं है। जो स्वप्न धर्म में आसक्त हो, रस रुधिर आदि धातु जिसके सम यानी कि समान हो, स्थिर चित्त वाला हो, इंद्रिय पर संयम रखने वाला हो, दया पालने वाला हो, वो
उसे आया हुआ सपना इच्छित अर्थों को सिद्ध करता है। खराब सपना किसी को भी सुनाना नहीं और अच्छा सपना आया हो तो गुरु महाराज आदि योग्य पुरुष को ही कहना है। स्वप्न उत्तम स्वप्न लेकर के बुद्धिमान मनुष्य को सोना नहीं, क्योंकि सो जाने से स्वप्न का फल निष्फल हो जाता है। जो मनुष्य स्वप्न में मनुष्य सिंह घोड़ा हाथी वृषभ अथवा गाय जोड़े हुए रथ पर चढ़ा हुआ जाता है वह राजा होता है। जो मनुष्य स्वप्न में घोड़ा हाथी वाहन आसन घर और वस्त्र वगैरह का अपहरण देखे तो वह स्वप्न राजा की ओर से शंका वाला बनता है, शोक करने वाला बनता है, बंधुओं का विरोध करने वाला बनता है एवं धन की हानि करने वाला बनता है। जो मनुष्य सपने में सूर्य चंद्र के संपूर्ण बिंब को निगल जाता है वह मनुष्य गरीब होने पर भी निश्चित रूप से सुवर्ण सहित और समुद्र सहित पृथ्वी को प्राप्त करता है, यानी कि पूरी पृथ्वी का राजा बनता है। जो सपने में शस्त्र गहने मणि मोती सुवर्ण रूपा और सुवर्ण वह रूपे अन्य दूसरी धातुओं का अपहरण देखता है तो वह स्वप्न बहुत बार धन का नाश करने वाला, मान की ग्लानी करने वाला एवं भयंकर मृत्यु निपजाने वाला बनता है। जो मनुष्य सपने में सफेद हाथी पर चढ़ा हुआ नदी के तट पर चावलों का भोजन करता है वह मनुष्य कदाचित निज जाति का होते हुए भी धर्म रूपी धन वाला होने पर, यानी कि धर्मिष्ठ होने के साथ साथ समग्र पृथ्वी को भुगता है। जो मनुष्य सपने में अपनी स्त्री का अपहरण देखता है उसकी धन संपत्ति का नाश होता है, अपनी स्त्री का पराभव देखता है तो क्लेश उत्पन्न होता है, गोत्र की स्त्री का अपहरण देखे तो पराभव देखता है तो बंधुओं का वध और बंधुओं का बंधन होता है। जो मनुष्य सपने में श्वेत सर्प के द्वारा अपने दाहिनी भुजा पर डंग दिए देखे तो वह मनुष्य 5 रात्रि में 1000 सुवर्ण मुद्राएं प्राप्त करता है। जिस मनुष्य को सपने में अपने सैया वो जूतों का अपहरण होता है उसकी स्त्री मर जाती है और उसके शरीर को पीड़ा होती है। जो मनुष्य सपने में मनुष्य के मस्तक का भक्षण करता है वो राज्य को प्राप्त करता है। जो मनुष्य पैर का भक्षण करता है उसे 1000 सुवर्ण मुद्रा प्राप्त होती है और मनुष्य की भुजा का भक्षण करता है वह 500 सुवर्ण मुद्रा प्राप्त करता है। जो मनुष्य सपने में दरवाजे की अर्गला का सैया यानी पलंग का हिंडोला का पादुका का तथा घर का भंग यानी कि टूट जाना देखता है उसकी स्त्री का नाश होता है। जो मनुष्य सपने में सर्व समुद्र पानी से भरी हुई नदी तथा मित्त के मरण को देखता है वह मनुष्य बिना निमित्त के भी अचानक विपुल धन प्राप्त करता है। जो मनुष्य सपने में बहुत तपा हुआ गोबर सहित गंदा और औषध से युक्त पानी पीता है वह निश्चित ही अतिसार रोग का ग्रस्त हो जाता है। जो मनुष्य सपने में देव के प्रतिमा की यात्रा दर्शन करता है प्रक्षालन करता है प्रतिमा के आगे नैवेद्य फल फूलादि समर्पित करता है और प्रतिमा की पूजा आदि करता है उस मनुष्य की सर्व प्रकार से वृद्धि होती है। जिस मनुष्य को सपने में आपने हृदय रूपी सरोवर में कमल उगते वह मनुष्य कोढ़ रोग से नष्ट शरीर वाला होकर के तुरंत ही यमलोक पहुंच जाता है। जो मनुष्य सपने में विपुल घी प्राप्त करता है उसके यश वृद्धि प्राप्त होता है और जो व्यक्ति भोजन खीर के साथ घी का भोजन करता है वह प्रशस्त कहलाता है। जो मनुष्य सपने में हंसता है वह अल्प समय में शोकमग्न हो जाता है। जो नाचता है वो बंधन में गिरता है, पड़ता है वह क्लेश में गिरता है। ऐसा शुद्ध पुरुष का जानना गाय वृषभ घोड़ा राजा हाथी और देव इनके सिवाय शेष सर्व काली वस्तु यदि स्वप्न में देखे तो वह स्वप्न अशुभ समझना और कपास तथा लवण आदि के सिवाय सर्व सफेद वस्तु यदि स्वप्न में देखे तो वह स्वप्न शुभ कर समझना। पर निष्ठा का विलीपन देखे तो विष्टा का विलीपन देखे तो निरोगी होता है। सपना में रुदन करे तो
हर सह की प्राप्ति होती है। स्वप्न में राजा हाथी घोड़ा सुवर्ण बैल गाय या परिवार देखे तो कुल की वृद्धि होती है। स्वप्न में महल पर चढ़कर स्वयं का भोजन करता हुआ देखे अथवा समुद्र को तरता हुआ देखे तो निश कुल में जन्म हो तो भी वो राजा होता है। सपने में दीपक मांस फल कन्या कमल छत्र या ध्वजा को देखे तो जय प्राप्त होती है। सपन में इष्ट देव की प्रतिमा देखे तो आयुष्य बढ़ता है तथा कीर्ति जस और धन की वृद्धि होती है। यदि सपने में कोई फल फूल वाले प्रफुल्लित वृक्ष के ऊपर अथवा रायन के वृक्ष पर अपने को चढ़ा हुआ देखे तो बहुत धन मिलता है। यदि सपने में गधी गधी ऊंट भैंस या पाड़े पर अपने को अकेला चढ़ा हुआ देखे तो वह तत्काल मृत्यु को पता है। जो मनुष्य सपने में सफ़ेद कपड़ों वाली और सफ़ेद चंदन का विलेपन की हुई स्त्री को भुगता है तो उसे सर्व प्रकार की लक्ष्मी प्राप्त होती है। जो मनुष्य सपने में रक्त वस्त्र वाली और रक्त चंदन कृष्ण गंध विलेपन की हुई स्त्री को भुगता है तो उस पुरुष का रुधिर सूख जाता है। जो मनुष्य सपने में रत्न के सोने के और शीशे के ढेर पर अपने को चढ़ा हुआ देखे तो वह मनुष्य अवश्य संकित को प्राप्त करता है और मोक्ष को जाता है। हे देवानुप्रिय, इस प्रकार सत्य ही हमारे स्वप्न शास्त्र में सामान्य फल देने वाले 42 सामान्य स्वप्न और महाफल देने वाले 30 महास्वप्न, इस प्रकार सब मिलाकर 72 स्वप्न बताए गए। उनमें से हे देवानुप्रिय, तीर्थंकर की माता और चक्रवर्ती की माता के तीर्थंकर अथवा चक्रवर्ती गर्भ में आने पर इन 30 महास्वप्नों में से 14 महास्वप्न देखकर जागती है। वह इस प्रकार है कि हाथी वृषभ आदि जो आगे आई हुई 14 महास्वप्न की गाथा है वह, और वासुदेव की माता गर्भ में आने पर इन 14 महास्वप्नों में से 7 महास्वप्नों को देखकर जागती है। बलदेवी की माता बलदेव के गर्भ में आने पर इन 14 महास्वप्नों में से किन्हीं भी 4 महास्वप्नों को देखकर जागती है। मांडलिक की माता मांडलिक गर्भ में आने पर इन 14 महास्वप्नों में से किसी एक महास्वप्न को देखकर जागती है। हे देवानुप्रिय तिशला क्षत्रियाणी, तुमने तो 14 महास्वप्न देखे है, जिससे हे देवानुप्रिय तिशला क्षत्रियाणी ने प्रशस्त स्वप्न देखे है। यावत हे देवानुप्रिय तिशला क्षत्रियाणी ने मंगल करने वाले स्वप्न देखे है। हे देवानुप्रिय, रत्न सुवर्ण आदि अर्थ का लाभ होगा, पुत्र का लाभ होगा, भोग का लाभ होगा। हे देवानुप्रिय, सुख का लाभ होगा और राज्य का लाभ होगा। इस प्रकार सामान्य से फल बताकर विशेष प्रकार से फल बताते कि हे देवानुप्रिय, निश्चित ही त्रिशला क्षत्रियाणी 9 मास बराबर संपूर्ण होने के बाद 7.5 दिन जाने के बाद ऐसे पुत्र को जन्म देगी। किस प्रकार के पुत्र को वे बताते हैं कि आपके कुल के ध्वज के समान अर्थात अति अद्भुत कुल में दीपक समान प्रकाश करने वाले और मंगल करने वाले, कुल में पर्वत समान अर्थात पर्वत की तरह स्थिर तथा जिसका कोई भी दुश्मन पराभव न कर सके ऐसा, कुल में उत्तम होने से मुकुट के समान, कुल को भूषित करने वाले होने से कुल के तिलक के समान और कुल की कीर्ति करने वाला, कुल का निर्वाह करने वाला, कुल में अतिशय उद्यत करने वाला होने से सूर्य के समान, पृथ्वी की तरह कुल के कुल का आधार, कुल की वृद्धि करने वाला, सर्व दिशाओं में कुल की प्रख्याति करने वाला, कुल में आश्रय रूप होने से तथा अपनी छत्र छाया में प्रत्येक लोगों को रक्षण करने वाला और होने से वृक्ष के समान, कुल के तंतु समान यानी कुल के आधार रूप जो पुत्र पौत्र प्रपौत्र आदि संतति, उस संतति की विविध प्रकार की वृद्धि करने वाला होगा और वह पुत्र कैसे होगा जिसके हाथ व पैर सुकोमल है ऐसा, छत्र चामर आदि लक्षणों के गुण सहित तथा मस तिल वगैरह व्यंजनों के गुण सहित मान उन्मान प्रमाण से संपूर्ण व सर्वांग सुंदर है शरीर है जिसका ऐसा, चंद्रमा के समान सौम्य आकृति वाला मनोहर वल्लभ है दर्शन जिसका ऐसे सुंदर रूप वाला, ऐसे पुत्र को जन्म दोगी तथा वह पुत्र बचपन छोड़कर जब 8 साल का होगा तब उसे सर्व विज्ञान परिणत होगा। बाद में अनुक्रम से यौवन अवस्था को प्राप्त करने के बाद दान देने में तथा अंगीकार किए हुए कार्य का निर्वाह करने में समर्थ बनेगा, रण संग्राम में बहादुर बनेगा, राज्य पर आक्रमण करने में पराक्रम वाला बनेगा,
अतिशय विस्तीर्ण है सेना और महान जिनके ऐसा बनेगा और वह पुत्र कैसा होगा। तीन समुद्र व चौथा हिमवंत इन चारों पृथ्वी के अंत को साधने वाला ऐसे राज्य का स्वामी चक्रवर्ती राजा होगा अथवा तीन लोक का नायक धर्मवर्त चक्रवर्ती चौरंत चक्रवर्ती ऐसा जीन बनेगा यानी धर्मों में श्रेष्ठ ऐसा चातुरंतम चक्रवर्ती समान बनेगा। जैसे चक्रवर्ती पृथ्वी के चारों अंतों को साधता है जिससे अन्य राजाओं से अतिशय वाले होते हैं वैसे ही यह पुत्र भी दूसरे धर्म प्रवर्तकों में अतिशय वाला जीन बनेगा अथवा धर्मरूपी उत्तम चक्र के द्वारा नरकादि द्वारा चारों गतियों का अंत करने वाला ऐसा जीन बनेगा। उसमें भी जिनत्व के विषय में 14 मास स्वप्न में पृथक पृथक फल इस प्रकार समझना चाहिए कि चार दंत सुस वाला हाथी देखने से चार प्रकार के धर्मों को बताएगा। ऋषभ को देखने से भरत क्षेत्र में बोधि बीज बोएगा। सिंह को देखने से राग द्वेषादि रूप दुष्ट हाथियों के द्वारा नष्ट किए जाते हुए भव्य प्राणी रूप वन का रक्षण करने वाला बनेगा। लक्ष्मी को देखने से वार्षिक दान देकर तीर्थंकर की लक्ष्मी को भोगेगा। माला को देखने से तीनों भुवन के लिए मस्तक में धारण करने योग्य बनेगा। चंद्र को देखने से पृथ्वी मंडल को आनंद देने वाला बनेगा और सूर्य को देखने से भामंडल के द्वारा विभूषित बनेगा। ध्वज को देखने से धर्मरूपी ध्वज के द्वारा विभूषित बनेगा। कलश को देखने से धर्मरूपी महल के शिखर पर रहेगा। पद्म सरोवर देखने से देवों द्वारा संचालित कमल पर स्थापन किए है चरण जिनके ऐसा बनेगा। समुद्र को देखने से केवल ज्ञान रूपी रत्न का स्थानक रूप बनेगा। देव विमान को देखने से वैमानिक देवों को भी पूज्य बनेगा। रत्नों की राशि को देखने से रत्नों के गढ़ों से विभूषित बनेगा और निर्धूप अग्नि देखने से भव्य प्राणी रूपी सुवर्ण की शुद्ध करने वाला बनेगा। एवं 14 स्वप्नों को एकत्रित फल स्वरूप राजलोक स्वरूप लोक के अग्रभाग पर रहने वाला बनेगा। इसलिए हे देवानुप्रिय त्रिशला क्षत्रियाणी ने प्रशस्त स्वप्न देखे हैं। यावत हे देवानुप्रिय त्रिशला क्षत्रियाणी ने आरोग्य संतोष दीर्घ आयुष्य कल्याण व मंगल करने वाले स्वप्न देखे हैं। उसके बाद सिद्धार्थ राजा उन स्वप्न लक्षण पाठकों से अर्थ सुनकर मन में अवधारण करके विस्मित बने हुए संतुष्ट हुए चित्त में आनंदित बने हुए प्रीति युक्त मन वाले परम संतुष्ट चित्त वाले और हर्ष के वश से उल्लसित हृदय वाले होकर दो हाथ जोड़कर यावत नखों को मिलाकर मस्तक पर अंजलि करके स्वप्न लक्षण पाठकों से बोले कि हे देवानुप्रिय यह ऐसा ही है। हे देवानुप्रिय आपने स्वप्नों का फल जो बताया वैसे ही है। हे देवानुप्रिय वह यथास्थिति है। हे देवानुप्रिय वह इष्ट यानी मेरे द्वारा इच्छित देवानुप्रिय वह प्रतिष्ठित यानी आपके मुंह से निकलते वचनों को मैंने ग्रहण किया है। देवानुप्रिय वह इष्ट और प्रतिष्ठित है। जिस प्रकार से आप अर्थ कहते हैं वह अर्थ सत्य है। इसका इस प्रकार कहकर उन सपनों को अच्छी तरह से अंगीकार करते हुए अंगीकार करके उन स्वप्न लक्षण पाठकों को विपुल साली आदि भोजन की वस्तुओं से उत्तम प्रकार के पुष्पों से वस्त्रों से सुगंधित चूर्णों से और मुकुट अलंकारों से सत्कार करते हैं और विनयपूर्वक नम्र वचनों से उनका सम्मान करते हैं। सत्कार और सम्मान करने के जिंदगी पर्यंत निर्वाह चल सके ऐसा बहुत प्रीतिदान देते हैं। देख करके उन सब लक्षण पाठकों का विसर्जन करते हैं। उसके बाद वह सिद्धार्थ क्षत्रिय सिंहासन पर से उठते हैं। उठकर जहाँ पर्दे के पीछे त्रिशला क्षत्रियाणी है वहाँ से आकर के उन्होंने त्रिशला क्षत्रियाणी से कहा कि हे देवानुप्रिय सत्य ही इस तरह स्वप्न शास्त्र में सामान्य फल देने वाला 42 सामान्य स्वप्न बताए गए हैं और महाफल देने वाला 30 महास्वप्न कहे हैं। सब मिलकर बहुत महासपना है। उनमें से हे देवानुप्रिय तीर्थंकर की माता चक्रवर्ती की माता तीर्थंकर अथवा चक्रवर्ती गर्भ में आने पर 14 महास्वप्न को देख के जागती है। यावत मांडलिक की माता गर्भ में आने पर 14 महास्वप्न में से किसी भी एक स्वप्न महासप्न देखती है। देव देवानुप्रिय तुमने जो 14 महास्वप्न देखे जिससे यावत तेरा पुत्र तीन लोक का नायक ऐसा धर्मवर चौरंत चक्रवर्ती बनेगा यानी जैसे अन्य राजाओं से चक्रवर्ती राजा पृथ्वी के चारों अंत को साधने वाला होता है अतिशय वाला होता है उसी प्रकार यह तेरा पुत्र भी अन्य धर्म प्रवर्तकों में अतिशय वाला जिन बनेगा। उसके बाद वह त्रिशला क्षत्रियाणी इस अर्थ को सुनकर एवं मन से अवधारण करती हर्षित बनती हुई संतुष्ट बनी हुई यावत हर्ष के अतिरिक्त उल्लसित हृदय वाली दो हाथ जोड़कर यावत 10 नख मिलाकर मस्तक पर अंजलि करके उन सपनों को बलि मानते अंगीकार करती है। अंगीकार करके अपने स्थान में जाने के हेतु सिद्धार्थ राजा से अनुमति पा करके विविध प्रकार के मणि और रत्नों की रचना से आश्चर्यकारी ऐसे सिंहासन से उठकर मन की उतावली रही शरीर की चपलता रही स्खलना रही और बीच में किसी तरह का विलंब रहित ऐसे राजहंस सदृश गति से जहाँ अपना भुवन है वहाँ आती है। आकर के त्रिशला क्षत्रियाणी अपने भुवन में दाखिल हुई। जब से लगाकर समण भगवान महावीर उस कुल राजकुल में हरिणी गमी से देव के द्वारा संहरित हुए तब से लगाकर कुबेर की आज्ञा को धारण करने वाले ऐसे बहुत त्रियंच त्रिम्बक देव यानी तिरछे लोक में निवास करने वाले त्रिम्बक जाति के देव शक्रेंद्र की आज्ञा से यानी शक्रेंद्र के कुबेर को आज्ञा दी
कि कुबेर ने तिरंग जिम्बक देवों को आज्ञा दी कि इस प्रकार कुबेर द्वारा शक्रेंद्र के आज्ञा से तिरंग जिम्बक देव जो अब से पहले गाड़े हुए ऐसे काल के पुराने महानिदान थे उन महानिदानों को लाकर सिद्धार्थ राजा के भवन में रखते हैं। किस तरह की महानिदानों को लाकर तिरंग जिम्बक देव सिद्धार्थ राजा के भवन में रखते हैं वे बताते हैं कि जिनके स्वामी प्रकर्ष रूप से हीन हो गए हैं स्वल्प हो गए ऐसे निदान जिस निदानों की प्रतिवर्ष तपास करने वाला और प्रतिवर्ष नए द्रव्य का संचयन करने वाला प्रकर्ष रूप से हीन हुए पतित हुए ऐसे निदान जिन पुरुषों ने निदान जमीन में दबाए हैं और उनके गोत्रीय पुरुष तथा घर का प्रकर्ष रूप से हीन हो गए ऐसे विरल हो गए ऐसे निदान जिनके स्वामी सर्वथा विनाश हो गए संतान रहित मृत्यु को प्राप्त हुए ऐसे निदान जिन निदानों की प्रति साल तपास करने वाले के प्रति साल नए सिंचन करने वाले अथवा विनष्ट हुए हैं ऐसे निदान एवं जिन पुरुषों ने निदान जमीन में दबाए हैं और उनके गोत्रीय पुरुष तथा घर सर्वथा विनष्ट हुए ऐसे निदान इस तरह के महानिदानों को लाकर तिरंग जिम्बक देव सिद्धार्थ राजा के भवन में रखते हैं। अब किन किन स्थानों में से गाड़े हुए उन निदानों को लेकर सिद्धार्थ राजा के भवन में रखते हैं यह बताते हैं कि जहाँ कर लिया जाता हो और चारों ओर कांटों की बाढ़ हो उससे ग्राम कहा जाता है। उन ग्रामों में जो लोहा तांबा आदि धातुओं की उत्पत्ति के स्थानक हो उसे आकर यानी खान कहते हैं। उन खानों में से जहाँ कर नहीं लिया जाता और जो सड़क कोर्ट आदि से युक्त हो उस नगर कहा जाता है। उन नगरों में जिन चारों तरफ धूल घड़ा हो खेत का हो और उन खेतों में से जो खराब नगर होते हैं उन्हें करबट कहा जाता है। उन करबटों में से जिसकी चारों दिशाओं में दो दो गांव पर ग्राम हो उसे मंडप कहा जाता है। उस मंडपों में जो जल मार्ग स्थल मार्ग ऐसे दोनों मार्गों से युक्त हो ऐसे द्रोण मुख कहा जाता है। उन द्रोण मुखों में जो जल मार्ग व स्थल मार्ग में से किसी भी एक मार्ग से युक्त हो उसे पत्तन कहा जाता है। उन पत्तनों में से जो तीर्थ स्थान हो अथवा तापसों का स्थान हो उसे आश्रम कहा जाता है। और उन आश्रमों में से किसान समभूमि में खेती करके जिन दुर्ग भूमि में यानी दूसरे कठिनाई से जा सके ऐसे जिस भूमि में धान्य को रक्षा हेतु स्थापन करते हैं उसे संभा कहा जाता है। उन संभाओं में से सार्थवाह का काफिला संघ और लश्कर वगैरह के उतरने के स्थान को सन्निवेश कहा जाता है। उन सन्निवेश में से इस प्रकार ग्राम नगर आदि भी गाड़े हुए महानिधानों को लेकर तिरंग जिम्बक देव सिद्धार्थ राजा के भवन में रखते हैं। अब ग्राम नगर वगैरह किस जिस रात्रि में श्रवण भगवान महावीर ने ज्ञातकुल में सहरण किया उस रात्रि से लगाकर वह ज्ञातकुल हिरण्य से यानी रुपये से अथवा बिना घड़ा हुआ सुवर्ण से वृद्धि को प्राप्त होने लगा है। घड़े हुए सुवर्ण से वृद्धि पाया धन से वृद्धि पाया। धन चार प्रकार के होते हैं फल पुष्प आदि गणिम यानी गिना जा सके गुड़ कुमकुम आदि धरिम यानी तराजू से तोला जा सके घी तेल लवण यानी मैं यानी मापा जा सके वस्त्र रत्न आदि परीक्षा की जा सके और भरा जा सके ऐसा इस तरह चारों प्रकार के धन से ज्ञात कुल में वृद्धि पाई तथा धान्य 24 प्रकार का जानना चाहिए कि जिनके नाम निम्न प्रकार के हैं जो गेहूं साली आदि ऐसे धान्यों से और विस्तीर्ण धन यानी गाय आदि पशुओं से घड़े हुए नहीं घड़े हुए इन प्रकार के दोनों सुवर्ण से करके तन आदि रत्नों से चंद्रकांत आदि मणियों से मोतियों से दक्षिणावर्त शंखों से शिला यानी राजाओं की ओर से मिलते किताबों से पदवियों से प्रवालों से माणिक आदि लाल रत्नों से इत्यादि अनेक प्रकार की उत्तम वस्तुओं से उस ज्ञात कुल ने वृद्धि पाई तथा विद्यमान ऐसे प्रधान द्रव्य और प्रीति यानी मानसिक संतोष व सत्कार यानी सज्जनों के वस्त्रादि से हुई भक्ति उन सब के समुदायों से उस ज्ञात कुल ने अतिशय वृद्धि पाया। उसके बाद श्रमण भगवान महावीर के माता पिता किस प्रकार के है आत्मविषयक चिंतित प्रार्थिक और मनोगत संकल्प उत्पन्न हुआ कि जब से लगाकर यह बालक कुक्ष में गर्भ के रूप में उत्पन्न हुए है तब से लगाकर हम हिरण्य सुवर्ण धन धान्य आदि को वृद्धि प्राप्त हुए है और विद्यमान ऐसे प्रधान द्रव्य से मानसिक संतोष से और स्वजनों से किए हुए सत्कार और अतिशय वृद्धि को प्राप्त हुए हैं। अतः जब इस बालक का जन्म होगा तब इस बालक का नाम वर्धमान रखेंगे इनके गुण के हिसाब से। उसके बाद श्रवण भगवान महावीर प्रभु ने गर्भ में यह विचार आया कि मेरे हलन चलन से माता को कष्ट न होना चाहिए इस प्रकार माता की अनुकंपा हेतु यानी माता पिता की भक्ति हेतु औरों को भी माता की भक्ति करनी चाहिए इसे ऐसा दिखाने हेतु स्वयं गर्भ में निश्चल बने बिल्कुल चलायमान नहीं होने से निष्पन्द हुए और इसलिए निष्कंप बने के गए अंगों को छुपाने से थोड़े लीन हुए उपांगों को छुपाने से प्रकृष्ट रूप से लीन हुए और इसीलिए गुप्त बन गए। यहाँ कवि कहते हैं कि क्या एकांत में रहकर मानो प्रभु मोह राजा को जीतने के
जितने हेतु विचार कर रहे हैं, अथवा क्या अकेले प्रभु परब्रह्म विषय में अगोचर ऐसा ध्यान धर रहे हैं, अथवा तो क्या कामदेव का निग्रह करने हेतु भगवान माता की कुक्षी में अपने आकार को अंगोपांगों को छुपा कर कल्याण रस साध रहे हैं। इस प्रकार की श्री परमात्मा महावीर आपके कल्याण हेतु बने। उसके बाद यानी माता की कुक्षी में प्रभु निश्चलावस्था के बाद उस त्रिशला क्षत्रियाणी ने इस प्रकार के स्वरूप वाला यावत संकल्प उत्पन्न हुआ। क्या मेरे गर्भ को किसी दुष्ट देवादि ने अपहरण कर लिया, क्या अथवा क्या मेरा यह गर्भ मृत्यु को प्राप्त हुआ, अथवा क्या मेरा गर्भ चवित हो गया यानी जीव पुद्गल के पिंडों को स्वरूप परिहार से नष्ट हो गया, अथवा क्या मेरा यह गर्भ गल गया यानी द्रव्य रूप होकर निगल गया, क्योंकि यह मेरा गर्भ पहले कंपायमान होता था अब बिल्कुल कंपता नहीं है। ऐसे विचारों से कलुषित बने हुए मन को संकल्प वाली गर्भा गर्भहरण आदि के विकल्प वाली शोक रूपी समुद्र में डूबी हुई, इसलिए हाथ पर स्थापन किए हुए मुख वाली आर्त ध्यान के द्वारा भूमि की ओर रखी हुई दृष्टि वाली वह त्रिशला क्षत्रियाणी मन में विचार करने लगी, यदि मेरे गर्भ का किसी तरह का अकुशल होना सत्य होगा तो सचमुच में ही मैं पुण्य रहित प्राणियों के अवधि रूप प्रख्यात बनोगी, अर्थात पुण्यहीन प्राणियों में मैं मुख्य बनोगी, अथवा भाग्यहीन मनुष्य के घर में चिंतामणि रत्न रहता नहीं है वे और रत्नों का निदान दरिद्र के घर की सोबत नहीं करता, तथा मारवाड़ देश में जमीन के दुर्भाग्य के कारण अभाग्यतावश कल्पवृक्ष नहीं उगता, उसी प्रकार पुण्यहीन ही ऐसे तुषातुर मानव को अमृतवाणी की सामग्री मिलती नहीं है। अरे देव को धिक्कारो धिक्कारो निरंतर कुटिल, ऐसे देव ने यह क्या किया जिसने मेरे मनोरथ रूपी वृक्ष को मूल से उखाड़ कर फेंका। अरे इस अधम देव ने मुझे बिल्कुल कलंक रहित ऐसे दो नेत्र देकर भी वापिस लिए, इस पापी देव ने निधि रत्न देकर मुझसे वापिस छीन लिया। हे पापिष्ट, ऐसे देव ने मुझे मेरु पर्वत के शिखर पर चढ़ा कर गिरा दिया। निर्लज्ज देव ने मुझे भोजन की थाली परोस कर वापस खींच ली। ऐसे अनुचित विचार भी नहीं करता, अरे अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ और किसके आगे जाकर पुकारूँ। भद्र कैसे मुझे दुष्ट देव ने जलाकर भस्म कर दी और नीच देव मेरा भक्षण कर गया। हाथी वृषभ वगैरह 14 सपनों से सूचित योग्य पवित्र तीनों जगत को पूजने योग्य तीनों भवनों के प्राणियों में अद्वितीय और मनुष्य को आनंद उपजाने वाले ऐसे पुत्र रत्न के बिना अब मुझे राज्य की क्या जरूरत है, विषयजन्य ऐसे कृत्रिम सुखों का भी क्या जरूरत है, तथा रेशमी सैया में सोने से उत्पन्न होने वाला सुख है जिसमें ऐसे इस महल की भी क्या जरूरत है, अर्थात ऐसे पुत्र रत्न के बिना सुख का हर एक एक साधन अब मेरे लिए व्यर्थ है। अतः अरे देव, धूप रूपी अग्नि के द्वारा भयंकर रूप से जलाने हेतु तू क्यों तैयार हुआ है, हे देव तेरे अपराध बिना किए कैसे मेरे प्रति तू शत्रुता क्यों धारण करता है, इस असार संसार को धिक्कार है तथा सहज से लिप्त तलवार की धारा को चाटने से सदृश ऐसे दुख व्याप्त और चंचल विषय सुख के लवलेस को भी धिक्कार है, अथवा मैंने पूर्व भव में किस प्रकार के दुष्कृत कर्म किया होगा कि मुझे इस प्रकार का दुखदायी फल मिला, क्योंकि ऋषियों ने धर्मशास्त्र में बताया है कि जो पापी प्राणी पशु पक्षी और मनुष्य के बालकों को उनकी माता से वियोग करवाते हैं और वे प्राणी को संतति नहीं होती, अथवा कदाचित उससे संतान होता है तो मर जाता है। अधम बुद्धि वाली ऐसी मैंने पूर्व भव में भैंसों के अनेक दूध पीते पहाड़ों का त्याग किया होगा, अथवा अन्य के द्वारा त्याग करवाया होगा, अथवा क्या छोटे बछड़ों का उनकी माताओं से वियोग कराया होगा, अथवा क्या दूध के लोभ से मैंने बछड़ों को दूध का अंतराय किया होगा, अथवा क्या अन्य लोगों से अंतराय कराया होगा, अथवा मैंने बच्चों सहित चूहों को चूहे के बिल में दर में पानी भर दिए होंगे, अथवा क्या मैंने पूर्व जन्म में अज्ञात के वश होकर धर्म बुद्धि से चीटी आदि बिलों को गर्म पानी से भर दिए होंगे, अथवा क्या मैंने धर्म बुद्धि से कौवे के अंडे फोड़ दिए होंगे, अथवा क्या मैंने अंडों व बच्चों सहित पक्षियों के घोंसलों से नीचे जमीन पर गिरा दिया होगा, अथवा क्यों मैंने कोयल तोता मुर्गे आदि के बच्चों से वियोग कराया होगा। इस तरह की चिंताग्रस्त बने मुरझाए कमल के समान म्लान मुख वाली त्रिशला क्षत्रियाणी सोचती हुई देखकर शिष्ट ऐसी सखियों ने उस शोक का कारण पूछा, तब त्रिशला क्षत्रियाणी माता आंखों में से आंसू भरकर निश्वास सहित कहने लगी कि मंद भाग्य वाली ऐसे मैं तुमको क्या बताऊँ, हे सखी मेरा जीवित तो जीवित ही चला गया। तब सखिया कहने लगी, हे सखी अन्य सर्व अमंगल शांत हो, पर ये विदुषी आपके गर्भ को कुशल है कि नहीं, यह आप जल्दी बताइए उनसे, सखी यदि मेरे गर्भ को कुशल होता तो मुझे और क्या अमंगल है। इत्यादि कहकर मूर्छा आने से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। बाद में सखियों ने शीतल पवन आदि अनेक उपचारों के द्वारा उसको चैतन्य शुद्धि प्राप्त कराई, तब वह बैठकर वापस में इस तरह विराप करने लगी जिसका पार प्राप्त नहीं हो सकता है। ऐसे अपार पानी वाले बड़े रत्नों के निधान रूपी समुद्र में रहा हुआ छिद्र वाला घड़ा पानी से भर जाता है,
भरा नहीं जाता तो उसमें क्या समुद्र का दोष है। वसंत ऋतु प्राप्त होने पर सभी वनस्पतियाँ ऋतु को प्राप्त करती है, यानी पर्ण फल फूल वगैरह प्रफुल्लित बनती है, मगर उस समय केरड़े के वृक्ष को पर्ण भी नहीं आते, उसमें क्या वसंत ऋतु का दोष है। उन्नत सरल ऐसा वृक्ष जब विपुल फलों के भार के कारण सर्व अवयवों से झुका जा हुआ होता है, फिर भी उस समय कुब्ज पुरुष उसके फल को प्राप्त नहीं कर सकता, उसमें क्या उस उत्तम वृक्ष का दोष है। इसलिए प्रभु, हे प्रभु, मैंने जो मेरे इच्छित को प्राप्त नहीं कर सकती उसमें तेरा बिल्कुल दोष नहीं है, किंतु मेरे कर्म का ही दोष है, क्योंकि उल्लू जब दिन में नहीं देख सकता तब वह दोष सूर्य का कैसे कहाँ जा सकता है। अब तो मुझे मरण का ही शरण है, क्योंकि निष्फल जीने का क्या काम है। इस प्रकार हृदय को पिघला जब वे ऐसी त्रिशला माता विलाप सुनकर सखी आदि सकल परिवार भी विलाप करने लगे। अरर, निष्कारण शत्रु बने हुए ऐसे विधि ने नियोग से यह अचानक आपत कहाँ से आ पड़ी। हाँ, निरंतर सहाय करने वाले देवी कुल देवी हो तुम, इस समय कहाँ चली गई और आप सब उदासीन होकर क्यों बैठी हुई है। अब इस प्रकार के विघ्न आने पर उस विघ्न का नाश करने तो विचक्षण ऐसी कुल वृद्धा स्त्रियाँ शांति कर्म पुष्टिकर्म मंत्र आदि सब करने लगे। इस दुखद समाचार उत्तम बुद्धि वाला सिद्धार्थ राजा भी लोगों के साथ चिंता दूर हो गया और सभी मंत्री भी अब क्या करना इस तरह का अत्यंत कर्तव्य विमूढ़ बन गए। अब उस समय राजा का भुवन कैसा बना उसका सूत्रकार स्वयं वर्णन करते हैं कि राजाओं में श्रेष्ठ ऐसे सिद्धार्थ राजा का भुवन भी मृदंग बिना हाथी की ताली और नाटक के पात्र से बना हुआ मनोहर पना निवृत्त हो गया, जिसमें इस प्रकार का बना है कि जहाँ राजभवन में कर्णप्रिय सुंदर ध्वनि से बज रहे वाजिंत्र मीठे स्वर से ललकारते गायन प्रेक्षकों का आकर्षण करे रहे नाटकारंभ उस समय बिल्कुल बंद हो गए और राजभवन सुनसान शोकमय बन गया और दिन बना हुआ होने से व्यग्र चित्त वाला होता है। उसके बाद श्रमण भगवान महावीर गर्भ में रहे हुए इस प्रकार के आत्मविषयक प्रार्थिक और मनोगत ऐसे माता के उत्पन्न हुए संकल्प को अपने अवधि ज्ञान से जानकर विचार करने लगे कि क्या करे और यह बात किसे बताए। मोह की गति इसी प्रकार की है, मैंने माता के सुख के लिए जो किया वो उल्टा माता को खेद करने वाला हुआ, अतः यह लक्षण भावी ऐसा कलिकाल को सूचित करने वाला है, क्योंकि जैसे नारियल के पानी में शीतलता का रूप हेतु डाला हुआ कपूर उल्टा जहर बनकर मृत्यु हेतु बनता है, वैसे ही पंचम आर्य में मनुष्य से किया हुआ गुण उल्टा दोष करने वाला बनेगा। इस प्रकार सोच करके अवधि ज्ञान के द्वारा माता पिता का संकल्प जानकर श्रवण भगवान महावीर अपने शरीर के एक भाग को हिलाते हैं। उसके बाद त्रिशला क्षत्रियाणी हर्षित हुई संतुष्टित हुई और यावत अतिरिक्त से प्रफुल्लित देवाली होकर के सखी आदि परिवार से इस प्रकार कहने लगी कि सत्य ही मेरा गर्भ किसी दुष्ट देवादि द्वारा अपहरण नहीं किया गया है, यावत द्रवीभूत होकर गिर भी नहीं गया, यह मेरा गर्भ पहले कम हिलता नहीं था अभी हिल रहा है। ऐसा कहकर वह त्रिशला क्षत्रियाणी हर्षित बनी हुई संतुष्ट बनी हुई यावत आनंद प्रफुल्लित हृदय वाली बनती है। अब त्रिशला की कैसे हर्षित हुई गर्भ की कुशलता को जानकर त्रिशला क्षत्रियाणी उल्लसित नेत्र वाली विकसित गाल वाली खिले हुए मुख कमल वाली रोमांचक कंचुक वाली मधुर वाणी से कहने लगी मेरे गर्भ को कल्याण हो और धिकारे मैंने अतिशय मोहांध मति वाली बनकर अनुचित कुविकल्प का चिंतन किया और सिद्धार्थ राजा भी गर्भ कुशल की बधाई में आए हुए करोड़ों धन को ग्रहण करता हुआ और कल्प ऋषि की भांति करोड़ों धन का दान करता हुआ अत्यंत हर्ष वाला बना। उसके बाद श्रवण भगवान महावीर गर्भ में ही रहे और 6.5 महीने बीतने पर इस प्रकार के अभिग्रह को धारण करते हैं कि सत्य ही मुझे जब तक मेरे माता पिता जीवित रहेंगे तब तक मुंड होकर घर से निकलकर दीक्षा लेनी कलपती नहीं है। इस प्रकार का अभिग्रह प्रभु ने ग्रहण किया और प्रभु ने विचार किया कि अभी तो मैं उधर में हूँ, तब माता का मेरे ऊपर इतना प्रगाढ़ स्नेह है, तब जब मेरा जन्म होगा तो कितना स्नेह होगा, यह समझकर प्रभु ने ऐसा अभिग्रह लिया और अन्य को भी माता की ओर बहुमान रखना चाहिए इस प्रकार सूचित करने हेतु ऐसा अभिग्रह लिया। कहा गया है कि पशु जब माता का दूध पीते हैं तब तब तक ही माता पर स्नेह रखते हैं। अधम पुरुष जब तक स्त्री पत्नी मिले तब तक ही माता पर मातृत्व का स्नेह रखते हैं। मध्यम पुरुष जब माता घर का कार्य करती है तब तक माता पर माता का रूप में स्नेह रखते हैं, परंतु तिलक आदि कौतुक दही ग्रह अक्षत आदि मंगल प्रायश्चित जिसने ऐसी सर्व अलंकारों से विभूषित होकर उस गर्भ का नीचे बताए आहार आदि से पोषण करती हुई अति ठंडे नहीं अति गर्म नहीं अति तीखे नहीं अति कड़वे नहीं अति कसाई वाले नहीं अति खट्टे नहीं अति मीठे नहीं अति चिकने नहीं अति रुक्ष नहीं अति हरा नहीं अति शुष्क नहीं और इस तरह से आहार आदि के द्वारा त्रिशला क्षत्रियाणी गर्भ का पोषण करती हुई अति ठंडे अति गर्म आदि प्रकार के आहार आदि गर्म को हितकारी नहीं है, क्योंकि उनमें कितने वायु करने वाले कितने पित्त करने वाले और कितने कफ करने वाले होते हैं।
गर्भवती स्त्री के वायु करने वाले पदार्थ खाने से गर्भ कुबड़ा यानी खुंद वाला, अंधा जड़ बुद्धि वाला यानी मूर्ख और वामन यानी ठिंगड़ा होता है। पित्त करने वाला पदार्थ खाने से गर्भ स्खलित होता है, पीला वर्ण वाला होता है और कफ करने वाला होता है। और पदार्थों को खाने से गर्भ सफ़ेद कोड़ वाला अथवा पांडु रोग वाला होता है। गर्भवती स्त्री यदि अति क्षार वाला भोजन करे तो वह गर्भ के नेत्रों का आहरण करने वाला होता है। अति ठंडा आहार करने से वायु का प्रकोप करता है, अति आहार गर्भ में बल को हरता है और अति विषय सेवन कर गर्भ के जीवित को हरता है। तथा मैथुन सेवन, पालकी आदि में बैठकर मुसाफरी करना, घोड़ा आदि वाहन पर बैठना, मार्ग में ज़्यादा चलना, चलते हुए स्खलना को होना यानी लपक कर गिर जाना, दब जाना, पेट मसलना अथवा पेट में पीड़ा होना, अति दौड़ना, टकराना, विषम जगह पर सोना, विषम जगह पर बैठना, संकुचित स्थान पर बैठना, पाँव पर बैठना, उपवास करना, वेग का विघात होना, अति लुका आहार करना, अति कड़वा भोजन करना, अति तीखा पदार्थ खाना, अति भोजन करना, अति राग करना, अति शोक करना, अति खारी वस्तुओं का सेवन करना, अतिसार रोग होना यानी दस्ते लगनी, उल्टी होना, जुलाब लेना, हिचके पर हिचकना, अजीर्ण होना इत्यादि कारणों से गर्भ गिर जाता है। इसलिए वह तिसला क्षत्रियाणी उपरोक्त कारणों का सेवन नहीं करते हुए गर्भ का पोषण करती है। और किस प्रकार के आहारादि से गर्भ का पोषण करती है, कहते हैं कि सर्व ऋतुओं में सेवन किए जाते हैं जो सुखकारी यानी गुणकारी, ऐसे भोजन, वस्त्र, सुगंधित पदार्थ और पुष्पमालाओं के द्वारा वह तिसला क्षत्रियाणी गर्भ का पोषण करती हुए कहा है कि वर्षा ऋतु यानी श्रावण और भाद्रव मास में नमक अमृत के समान, शरद ऋतु यानी अश्विन व कार्तिक मास के जल अमृत के समान, हेमंत ऋतु में यानी माघसर व पौष माघ मास में गाय का दूध अमृत के समान, शिशिर ऋतु में यानी माघ व फाल्गुन मास में खट्टा रस अमृत के समान, वसंत ऋतु यानी चैत्र वैशाख माघ में घी अमृत के समान और ग्रीष्म ऋतु में यानी ज्येष्ठ जेठ और अषाढ़ मास में गुड़ अमृत के समान है। इस प्रकार गर्भ को हितकारी ऐसे आहार आदि के द्वारा गर्भ का पोषण करते हुए तिसला क्षत्रियाणी दूर हुई ज्वर वगैरह रोग से, इष्ट वियोग वाले होने से शोक, मोह यानी मूर्छा, भय और परिश्रम जिसके अर्थात रोगादि से रहित है, क्योंकि वे रोग शोकादि गर्भ को अहित करने वाले होते हैं। और सुश्रुत नामक वैद्य ग्रंथ में कहा गया है कि गर्भवती स्त्री यदि दिन में निद्रा लेवे तो गर्भ निद्रालु और आलसी बनता है, अंजन करने से गर्भ अंधा होता है, रोग रोने से विकृत नजर वाला होता है, स्नान विलेपन करने से दुराचारी होता है, तेल का मर्दन करने से कुष्ठरोगी होता है, नाखून काटने से खराब नख वाला होता है, दौड़ने से चंचल होता है, हंसने से गर्भ के दांत, होंठ, तालवा, जीभ यानी सभी काले होते हैं, बहुत बोलने से निरर्थक बोल बोल करने वाला होता है, बहुत शब्द सुनने से बहरा होता है, लिखने से स्खलित होता है, पंखे आदि से पवन लेने से गर्भ उन्मत्त होता है। गर्भ के लिए अहितकारी ऐसे एक भी कारण का त्रिशला क्षत्रियाणी सेवन नहीं करती है। अभी कुल की वृद्धा त्रिशला क्षत्रियाणी को शिक्षा देती है, कह सकी तो धीरे धीरे चल, धीरे धीरे बोल, किसी पर क्रोध न कर, पथ्य भोजन कर, नाड़ी ढीली बांध, खिल खिला कर मत हंस, खुली जगह में मत रह, बिस्तर पे सोती रह, नीची जगह में न उतर, घर से बाहर न जा। इस प्रकार गर्भ के भार से मंद हुए त्रिशला देवी उन देवी को उसकी उनकी सखियाँ शिक्षा देती है। और वह तिसला क्षत्रियाणी कैसी है, उस गर्भ के लिए हितकर परिमाण युक्त यानी न्यूनाधिक रहित पथ्य यानी आरोग्य करने वाला, गर्भ को पोषण देने वाला ऐसा जो आहार, ऐसे आहार को उचित स्थान में और उचित काल में यानी भोजन के समय भोजन करती रहती है। और वह तिसला क्षत्रियाणी कैसी है कि दोष रहित सुकोमल ऐसे शयन और आसन में उनसे सहित तथा अपने परिवार से अन्य मनुष्य रहित होने से निर्जन एकांत वाली, इसलिए ही सुख उपजाने वाली तथा मन को अनुकूल यानी चित्त को आनंद उपजाने वाली, इस तरह की हिरने फिरने की तथा बैठने उठने की जगह से सुखपूर्वक रहती है। और वह तिसला क्षत्रियाणी कैसी, गर्भ के प्रभाव से उत्पन्न हुए प्रशस्त धवले मनोरथ यानी ऐसी तिसला माता को उत्पन्न हुआ धवला तिसला क्षत्रियाणी को मनोरथ करती है कि मैं चारों ओर अमारी पड़ बजाऊ, दान दू, सद्गुरु का सम्यक प्रकार से पूजन सत्कार करूँ, तीर्थंकरों की पूजा करूँ और संघ में महोत्सव पूर्वक बहुत प्रकार से साधार्मिक वात्सल्य करूँ तथा मैं सिंहासन पर बैठकर मस्तक के ऊपर उत्तम छत्र को धारण करती हुई दोनों तरफ सफ़ेद चामरों के द्वारा शरीर पर ढुलती हुई और नमन करते हुए राजाओं के मुकुट के मणियों से रमणीय बना है पादपीठ जिसका, ऐसी मैं उदय को प्राप्त करती हुई सबके ऊपर सम्यक प्रकार से हुकुम चलाऊँ और मैं हाथी के मस्तक पर बैठकर ध्वजाओं को लहराती हुई वाजिंत्रों की आवाज से दिशाओं को गुंजाती हुई और लोगों के द्वारा हर्ष से जय जय इस प्रकार की शब्दों के द्वारा स्तुति की जाती हुई उद्यान की पाप रहित क्रीड़ा का अनुभव करूं। और वह त्रिशला क्षत्रियाणी कैसी है, सिद्धार्थ राजा से सर्व मनोरथ पूर्ण किए हुए होने से संपूर्ण हुए धोले वाली
इच्छित पदार्थ को प्राप्त होने से सम्मानित हुई दोहले वाली किसी भी दोहले की अवगणना नहीं होने से अभिमानित यानी अवगणना रहित हुए दोहले वाली अर्थात जो मनोरथ उनके मनोरथों को पूर्ण करने में एक क्षण भी विलंब नहीं किया गया, उत्पन्न हुए मनोरथों को ऐसे संपूर्ण प्रकार से परिपूर्ण किया गया कि जिससे वह उसे वापस मनोरथ की इच्छा न हो और इसलिए अब बिना दोहले की तिथला छत्रियाणी गर्भ को बिल्कुल बाधा न पहुँचे उस प्रकार के सुखपूर्वक तकिया स्तंभ आदि का आश्रय लेती है, निद्रा लेती है, खड़ी होती है, बैठती है, निद्रा रहित भी सैया में लेटती है और जमीन पर चलती है, फिरती है, इस प्रकार तिथला छत्रियाणी सुखपूर्वक उस गर्भ का वहन करती है। हो गया। जो हमारे हर कार्य में हमें सिद्धि प्राप्त हो रही है, कृपया इसी तरह व्यवस्था बनाने में आप श्री सभी का सहयोग चाहते हैं तो कृपया आप सभी सहयोग करके हमें अनुग्रहित करें। आज की सामूहिक सामाजिक परेश कुमार छगनदास जी पोखरा इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में रखी गई है, सब सके लाभ लिया में बहुत बहुत धन्यवाद। आज सितंबर में भावना के लाभार्थी मेसर्स जी एंटरप्राइजर्स एवं मेसर्स शांति इलेक्ट्रिकल्स एवं प्रभावना के लाभार्थी है महावीर ज्वेलर्स एवं सामूहिक समय के प्रभावना के लाभार्थी श्रीमान भक्तिमाजी चुनीदास जी गोरा जी के पौत्र के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में समय समय रखी गई है। आज दोपहर में बड़ी पूजा जो कि 1 बजे चालू की जाएगी, आप सभी से नम्र निवेदन है कि वह समय पर पधारे एवं खासकर जो भाई जो लाभार्थी इस पूजा में लाभ ले रहे हैं वे तो कृपया ठीक समय 1 बजे पधार कर पूजा ठीक समय पर यदि हो जाए तो अपने आगे के जो चढ़ावे हैं वो व्यवस्थित रूप से होंगे, तत्पश्चात अपने वो बांटते काटते जो पाड़ने के लाभार्थी है जिस आदेश जो आपने दिया गया था यहाँ से मंदिर तक जाएंगे, वहाँ से अपनी सुविधा अनुसार इनके निवास स्थान पर पाड़ना जी पहुँचाया जाएगा एवं आज रात में रातें भक्ति उन्हीं के निवास स्थान पर रखी गई है। तो सभी मंडल से पाड़ने के लाभार्थी है श्रीमान शासन जी वीर चंद जी अजीत चंद जी पोथरा परिवार आप श्री सभी उसमें आमंत्रित हैं, उनके नूतन निवास स्थान पर भी भक्ति का आयोजन रखा गया है, आप श्री सभी उसमें आमंत्रित हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग पधार कर जो अपने प्रेरणा आचार्य भगवंत जी है इनकी प्रेरणा से उन्होंने इतना अति सुंदर पाड़ने का चौथा बोला है जो अपने जगत में चलने के मिसाल है, इसी मिसाल को कायम रखते हुए आप सभी ध्यान रखकर समय पर पता है आग्रह है और मैं आशा करता हूँ कि अगले वर्ष आप सभी अपने जिन शासन के अपनी पेड़ी को और इससे अच्छे से अच्छे रूप में उभारेंगे, ये मेरी आप सभी से अनुमोदना है। आप इसमें हम लोगों का सहयोग दीजिए, यदि आपको किसी तरह की तकलीफ हो तन मन धन किसी की भी इस कार्य में यदि आपको तकलीफ आती हो तो कृपया आप लोग पेड़ी में आके हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपके हर शंका का समाधान किया जाएगा।